Salpava, tá com ele com as valiadas. Cadê na cueva mata, não? Ah. Mo pava não pode divertir, de uma onda excelente, eu tava aí, papá. जो काम 10 मिनट होना वो आधा 1 घंटा खींच लेता है वो काम है। सही। जैसे कि दिख ही रहा होगा दही दही की खर्ची। वो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, बाकी हमारा घास पिल्टू जो भी होता है मैंने निकाला है सब। आज मामी जी कुछ मदद नहीं करी मेरी, सिर्फ 1 सल्टी भर के। और लगभग करारी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तन वाले। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पांवर और ये है मेरे स्वामी जी। तो शुरू करते हैं आज का एक नया ब्लॉग नए दिन के साथ और अपने गोसे के साथ। हमारे पहाड़ में सबसे फेमस चीज़ यही होती है, जंगल जाते हैं तो हमारे यहाँ क्या नहीं होता पता नहीं क्या रहता है, मोर्टिन है? क्या बोलते हैं उनको? हाँ मोर्टिन मोर्टिन। हाँ वो नहीं रहता है, ऑल आउट नहीं रहता है। हमारे यहाँ ये रहता है भैंस के गोबर का। और इसके साथ शुरुआत करते हैं एक नया दिन और नया सवेरा हो चुका है। तो सबसे पहले आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब 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 सर्वर 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 कराई सरकराइज कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हमारे ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए रेखा पवार ब्लॉग पे जाएं। हाँ तो आज जा रहे हम फिर से साल्टी लेके। आज घास के लिए नहीं जा रहे, आज पिल्टा के लिए जा रहे हैं। पिल्टा बोले तो कुछ लोगों की भाषा में पिरूल कहते हैं उसको और हमारी भाषा में पिल्टू कहते हैं। तो हमारा फोन फंस गया है दगड़े यहाँ पे। तो चलते हैं बारिश की रूम झुम बारिक बारिक बूंदों के साथ जंगल के और देखते हैं अगर बारिश ऐसे ही रहती है तो हम घास ले आएंगे और बंद होती है तो हम पिल्टू ले आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और आज भी ये हाफ कट में आ रखा है तो आज भी शायद इनको मच्छर खाएंगे, खा ही रहे हैं वैसे। क्या करें दोस्तों, गरीबी बुरी, गरीबी बहुत बुरी चीज है। और ये देखो आज तो बिल्कुल ही ज्यादा ही कर रखा है इन्होंने, आज ज्यादा गरीबी आ गई। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको सीधे जंगल के साथ। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज का बारिश का हो रखा है और ऐसा ही रहा तो पिल्टू लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गीले हो जाते हैं। बाकी जो हमारे धान है खेत है सट्टी तो वो भी आजकल थोड़ा अच्छे हो गए हैं। और तो यहाँ पे थोड़ा दरांती पे धार लगाते हैं और इसको कहते हैं पलयोण, मतलब हमारी गढ़ वाली भाषा में। और वैसे दरांती पे धार लगाई जा रही है। दोस्तों अभी इसकी फोटो अच्छी नहीं आ रही है तो ये बोल रही है अरे कैमरा ही खराब है बोला है। तो अरे तो शक्ल आपको बेकार लगती है क्या मेरी? तो ऐसा होता क्या? फिर हर चीज का सिस्टम होता ना। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, कैमरा कोई इस पे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि माची नहीं हो। मतलब क्या कराना सवाल है, टेक्नोलॉजी ही गलत है। मतलब क्या रोल की मेरे रोल मन बता। और ये हमारी क्या बोल देते थे जनकनी है ये। तो ये देखे ये घास निकाल रहे है इधर। अर्धांगिनी के बिना तो सब अधूरे ही रहते हैं, मतलब होता ही है वो तो एक नॉर्मल सी बात है। आपको लगता है कि आप अधूरे हैं? हाँ लगता क्यों नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी को क्या है, नमक और रोटी खाते। मैं एक एक वो सुनाता हूँ आप लोगों को। एक ट्रेन में एक लड़का था, उधर से टीटी आया। टीटी बोला टिकट बताओ। वो लड़का बोला सर गरीब आदमी हूँ नमक रोटी खाता हूँ। टीटी फिर गुस्से में बोला टिकट बताओ। सर गरीब आदमी हूँ साग रोटी खाता हूँ।
तो टीटी बहुत गुस्सा हो गए, तो क्या हम गोबर खाते हैं? तो वो लड़का बोला, सर अगर आप अमीर आदमी हो खाते होंगे, हमको क्या पता। दोस्तों बुआरी ऐसी लानी चाहिए जो मवसी बना दे, ऐसी नहीं लानी चाहिए जो मवसी घाम लगा दे। हाँ जो यूट्यूबर नहीं है, जो यूट्यूबर बुआरी है उसे तो लाना ही मत, क्योंकि हमने भी लाई एक यूट्यूबर बुआरी, वो मवसी घाम लगाने पे तुली है इधर। अब ये सुबह से ना यहाँ पे आ रखे, मेरे हालत खराब हो गए हैं, तब से घास निकाल निकाल के कुछ नहीं कर रहा, सुबह से बैठे हुए, पता क्या बोल रहे, तूने पैर नहीं बोला बल्कि घास निकाल, भगवान तू देख मेरे पे। मैं यहाँ पे कांडे मुंडे भी काट के रख रही हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से भी मैंने यहाँ पे मुझे, मैं अपने लिए साफ करके रखूँ यहाँ पे। ये पता तेड़ू के लग रहे हैं, क्या बोल रहा उसको, हाँ तेड़ू सिंह, तेड़ो को क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, नहीं यार, हाँ तेड़ो को हम तेड़ू सिंह बोलते हैं, तेड़ो को क्या बोलते हैं, कन क्या यार, कमेंट में बताना यार, हाँ कमेंट में बताना आप लोग जरूर हमको। तो अब वही मैं वही बोला था, सब बुए बहु याद आ रहे हैं, तो वो सच में याद आ रहे है। ये दुकानदार है ना मेरे, हां चूड़ी डब्बा पड़ी हुआ, हां मैं बोली भाई ये भी मैं मक्खन टूटी से वाली बोलो, क्या प्रॉब्लम है बाल बाबा तक कोई नहीं खोजवा ले आ रहे, हां खाज देना कोई बा मां करन, हां मो बाबा ने बड़ी बड़ी चीज मांगन, एक्सीडेंट होता था ये पापा। कि घास की सॉल्टी हो चुकी है और इसको स्वामी जी गधेरे पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप पड़ रही है और तब तक घास सूख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आए थे हम पिंटे के लिए, तो पिरूल होता है तो वो तो पीना है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ मिली मुझे, लकड़ियाँ निकाल दी थोड़ा थोड़ा, नर नी नारायण ने। ये देखो दोस्तों लकड़ियां ऐसे काटते, मतलब जो नीचे पड़े लकड़ियां रहती है, ये देखो ये देखो दोस्तों, ये इसमें पिल्टा भी है, पतला भी है और सूखी लकड़ियां भी है, मतलब ये है किसान, मगर मसान भी लगे इधर, ये भारी तैयार हो चुकी है, परफेक्ट एकदम जूड़ा लगा के टन टन टन, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, बाकी हमारा घास पिल्टू जो भी होता है मैंने निकाला है सब, आज स्वामी जी कुछ मदद नहीं करी मेरी, सिर्फ एक सल्टी भर के। हेलो समाज नहीं, बाकी यहाँ पे मेरे जो स्वामी जी हैं वो ले जा रहे हैं लंगड़ा, और आधा पेड़ है ये बहुत लालची है इसलिए ये पे लकड़ी के लिए ले जा रहे हैं इसको, और मैं थोड़ा सा घास निकालती हूँ यहाँ पे और आइए उसको तब तक गधेरे पे रखते हैं। तो अभी स्वामी जी यहाँ से ले जाएंगे सॉल्टी और मैं ले जाऊंगी भारी, चलो भात बनाने के लिए देर हो गई आज बहुत ज़्यादा। दगड़ियों फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, ये देखे पसीना से लर तर, मतलब
इतनी मेहनत की मैंने आज, और किसी ने नहीं की मेहनत। आज मेरी मेहनत सिर्फ इतनी थी कि मैं सिर्फ घास ये झोड़ू की अंगूठी हो गई आज की ब्योह सरकाने के लिए। नैन यार ढुसाओ पर भी जी, तो घर पहुंच के हम आ चुके हैं अपने लकड़ी वाले किचन में और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। बाकी मैं यहाँ पे पीस रही हूँ चना, जो काला चना होता है, तो उसका आज फाड़ा बनेगा, तो उसका बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और फाड़ा पिस के हो चुका है तैयार, मैंने इसको डोंगे में उठा दिया है। बाकी मैंने वहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है और स्वामी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं फोन चला रहे। बाकी अब हम डाल देंगे कढ़ाई में तेल, थोड़ा ज्यादा डाल देंगे क्योंकि दो चार पकौड़ी भी बनानी है। और कढ़ाई गर्म है इसीलिए तेल भी जल्दी गर्म हो गया। अब जो ये फाड़ा है इसमें हम नमक मिर्च मिला देंगे, मतलब जितना पकौड़ियों के लिए चाहिए। आधे हिस्से की पकौड़ी बनाएंगे और बाकी साग बनाएंगे इसका। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे जितना पकौड़ी के लिए था। और इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चौड़ी चौड़ी इस तरीके से बना देंगे। और इस तरीके से हम छोटी छोटी डाल देंगे, और छोटा कर देंगे। और लगभग करारी पकौड़ियां हो चुकी हैं, तन वाले हो चुकी हैं, इनको निकाल देते हैं। याद आ जाएंगे सूदी क्यों हो बंद कर रहे। अब फिर से हम थोड़ा और डाल देंगे ये, और ये पकोड़ा अभी ये हमारे शिवजी के लिए है। वैसे तो मानते तो हम सबको है, लेकिन ये स्पेशली शिव जी के लिए है। सैनी में धर देंगे, पानी डाल के नमक मिर्च मिला के अब इस पे लगा के वो नजदीक ले खाली है तो। इसमें क्या डालेंगे अब इसका, मतलब बाकी इसका बनेगा साग, तो मिक्स मसाला। मिक्स मसाला डाल देंगे जितना भी चाहिए होता है, मतलब अपना अपने हिसाब से। ठीक है, ये है नमक, नमक लून है ये, और इसको उबले ही करी दे। हाँ तो उसे गिम जा देंगे। और अब ये पलटी करेंगे ये इस बेचारे की, और तब तक हम भी थोड़ा कैसे हो रहे। हाँ स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही, स्वर्ग वाले। ये है सरसों के बीज और ये चटक के तैयार हो भी चुके हैं और इसमें जलने की भूख आने लगी है। और बाकी यहाँ पे मैंने बना ली है पकौड़ियाँ, तो अब इसको डाल देते हैं।
इस पे लगातार करछी लगाते रहना है जब तक कि अच्छी तरीके से इसका मतलब एक ही वो ना बन जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो 5-10 मिनट रुकने के बाद ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। बाकी मैंने यहाँ पे पतीले पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। इसमें इतना अच्छा स्वाद आता है। आता है बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें अगर बना के जाना तो। और लगभग आधे से ज़्यादा मतलब आधा एक घंटा इसको अच्छे से पका लें तो तब बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। और ज़्यादा गाढ़ा मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। और ये देखिए इसके बीच में सरसों के बीज आहा होने ही वाला है। और ये इसमें ऐसा नहीं लग रहा ना मिर्च मसाले डाले होंगे, लेकिन दिख रहा है इसमें फिल्टर नहीं, फिल्टर तो नहीं। बाकी आम खाते हैं तब तक, पके हुए पेड़ से टूटे थे अभी अभी। आग बन के हो चुका है तैयार। अब यहाँ पे थोड़ा रैला बना रहे हैं हम, रैला। और इसके लिए यहाँ पे दही ला रखा है। ये है दही, घर का दही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।